नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट डेट को लेकर, आपका रिजल्ट किस महीने में आना है उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए निकल के आ रही है। इसी के साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर, हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जी ज़रूर, आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। कब आपके एग्ज़ाम होंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अब आपकी रिजल्ट की तैयारी है दोस्तों, लगभग शुरू हो गई है। रिजल्ट आपका कब आएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में, वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको 10वीं और 12वीं से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप देख पाते होंगे, RBSE पहली बार रिकॉर्ड 21.60 लाख परीक्षार्थी होंगे पास, सप्लीमेंट्री ना कोई फेल होगा। यानी कि पहली बार ऐसा होगा राजस्थान के इतिहास में जब 21.60 लाख विद्यार्थी बिना सप्लीमेंट्री के और फेल हुए सभी पास किए जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके रिजल्ट की। तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, CBSE की तरह 12वीं में 3 साल व 10वीं में 2 साल के प्रदर्शन से तय हो सकता है रिजल्ट। बोर्ड अध्यक्ष तय करेंगे मार्किंग फॉर्मूला। कोई छात्र मार्किंग से संतुष्ट नहीं है तो परीक्षा देना चाहता है तो स्थिति सामान्य होने पर एग्जाम दे सकेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जुलाई में घोषित हो सकता है परिणाम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट है वो जुलाई में आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही फॉर्मूला तय करके स्कूलों में छात्रों की जानकारी मांगेगा। इसके बाद रिजल्ट जारी करने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। तो 3 दिन के अंदर दोस्तों आपका रिजल्ट तैयार करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने आदेश दे दिए गए। इसी के साथ जो स्टूडेंट रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं वो बाद में एग्जाम दे पाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रिमंडल की मीटिंग में सभी मंत्रियों से बोर्ड परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई। इसके बाद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा जो है कैंसिल कर दी गई। आप सबको पता होगा दोस्तों, लगभग 3.5 घंटे मीटिंग चली थी, लेकिन जो छात्र मार्किंग से संतुष्ट नहीं होने लगता है कि हमारा ज़्यादा परसेंटेज बन सकती है तो वो बाद में एग्जाम दे सकते हैं। स्थिति या सामान्य होने पर, यानी कि अगस्त में आप एग्जाम दे पाओगे। आपकी मार्कशीट द्वारा से यहाँ पर आएगी। जो एग्ज़ाम स्टूडेंट देंगे उनकी जो मार्कशीट है, उनके जो एग्ज़ाम देंगे उसी के आधार पर बनाई जाएगी। तो दोस्तों, आपका 7 जून से नया सत्र होगा। अभी टीचर को ही बुलाया जाएगा और 15 जून से आपके जो है एडमिशन चालू हो जाएंगे। जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए हैं 1 से लेकर 12वीं तक के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबको यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं CBSE की बात करूँ तो CBSE का रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर 12वीं का अगस्त के शुरू में रिजल्ट आएगा, यानी कि अगस्त में रिजल्ट आएगा। लेकिन राजस्थान बोर्ड की बात करूँ तो जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्मूला कौन सा तय किया जाएगा दोस्तों रिजल्ट को लेकर, मैंने आपको कल भी बताया था कि यही फॉर्मूला रहने वाला है, क्योंकि लगभग सभी राज्य इसी फॉर्मूले पर रिजल्ट जारी करने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि CBSE की तरह कक्षा 9, 10 व 11वीं के अंकों के आधार पर 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी कि जो 12वीं का रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो पिछली 3 क्लासों के यहाँ पर उनका जो है देखा जाएगा कि पिछली 3 क्लास में स्टूडेंट का प्रदर्शन कैसा है। इसी प्रकार 10वीं के जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, वो 9वीं, 8वीं और 7वीं के 3 साल का उसका प्रदर्शन देखा जाएगा, उसने कितने नंबर प्राप्त किए उसी के आधार पर 10वीं का रिजल्ट आएगा। इसी के साथ दोस्तों, जिन जिन स्कूलों में 12वीं के और 10वीं के प्रैक्टिकल हो गए थे या फिर नहीं हुए हैं दोस्तों, उनको यहाँ पर ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे। यानी कि जो 20 नंबर आपको मिलते थे उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको जो छमाही जिन जिन स्कूलों में एग्जाम हो गए थे या फिर आपके प्री बोर्ड हो गए थे, उनको प्री बोर्ड के अंक भी देखे जाएंगे। तो ये पूरा फॉर्मूला रहने वाला है, इसी फॉर्मूले पर लगभग सभी राज्य रिजल्ट तैयार करने वाले हैं। तो ऐसा दोस्तों पहली बार होगा RBSE इतिहास में, कि बोर्ड के इतिहास में, कि जब कोई स्टूडेंट बिना यहाँ पर दोस्तों परीक्षा दे हुए सभी पास किए जाएंगे। एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, ना ही सप्लीमेंट्री आएगी। चाहे आप कमज़ोर हों, चाहे आप होशियार हों, सभी को पास किया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट बाद में एग्ज़ाम देना चाहता है, उसको लगता है कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मेरी परसेंटेज और ज़्यादा बन सकती थी, तो वो बाद में एग्ज़ाम दे पाएंगे दोस्तों। लेकिन अगस्त से पहले आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि जुलाई में रिजल्ट आने के बाद आपकी बाद में जो है एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और जल्द ही दोस्तों आपकी रिजल्ट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको अपडेट करूँगा और आपका रिजल्ट दोस्तों जुलाई महीने में पक्का आ जाएगा। जुलाई के 2nd वीक तक दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, हम इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।